हेलो गाइस, मैं हूं ब्रज वर्मा। और जैसा कि हम लोग अभी यूट्यूब बना रहे हैं, तो यूट्यूब में हम डेटा फेच करेंगे, यूट्यूब का पूरा डेटा, ठीक है। तो वहां पर फेच करने के लिए हमें एपीआई लगेगी और एपीआई कीज भी उसमें लगती है। तो मैंने आपको यूट्यूब का के तीन पार्ट्स बता दिए हैं, जहाँ पर आपने डेटा फेच किया है और डेटा को प्ले करके बताया वीडियो को। लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि एपीआई की कैसे जनरेट करते हैं। तो मुझे लगता है शायद आपको पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को अगर नहीं पता है कि एपीआई की कैसे जनरेट की जाती है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे एपीआई की जनरेट करते हैं, आपको कैसा करना चाहिए। ओके, सो आपको क्या करना है। हाइट फ्लोट विंडो, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, लाइक ब्राउजर में, आप भी आपका जो भी ब्राउजर है उसमें लिखना सिंपल यूट्यूब एपीआई की। जब आप ऐसा लिखोगे, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर लिखा है यूट्यूब डेटा एपीआई ओवरव्यू और गूगल डेवलपर्स, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, ये पहले नंबर पर, दूसरे तीसरे पर, जहां पर भी आए इस पर क्लिक करना है। फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस में आपको यहाँ वहाँ कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है गूगल डेवलपर्स कंसोल। जहां पर भी गूगल डेवलपर कंसोल लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, गूगल डेवलपर्स कंसोल। फिर आपको गूगल क्लाउड कंसोल में जाके, ठीक है, रिडायरेक्ट करेगा ये। यहाँ पर आपको एपीआई कीज मिलेंगी। अब ये यहाँ पे ओपन तो हो गया है, लेकिन यहाँ पर भी जब मैंने भी फर्स्ट टाइम किया था, तो मैं भी कंफ्यूज था कि यार कहाँ इसमें कैसे एपीआई की बनाएंगे। ठीक है, एनेबल्ड एपीआई एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये मेरी एपीआई ओपन है, कितनी बार उस पर क्लिक हुए हैं, क्या सब यहाँ पर सब डेटा शो होता है, ठीक है। लेकिन आपको अगर एपीआई की जनरेट करना है, एपीआई एंड सर्विसेज यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रेडेंशियल पर। जब आप क्रेडेंशियल पर क्लिक करते हो, ये आपको दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट करेगा, देखते हैं, ठीक है। मे भी मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एपीआई कीज बना रखी है, तो यहाँ पर मेरी एपीआई कीज अगर मुझे बना रखी है, देखना है, तो शो कीज पर करेंगे शो की, और ये मुझे एपीआई की शो कर देगा। लेकिन अभी मुझे एपीआई की क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट क्रेडेंशियल पर क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बताया, जब यहाँ पर ये खुलता है गूगल डेवलपर कंसोल पर क्लिक करने पर, फिर यहाँ पर क्रेडेंशियल पर क्लिक करने पर ये ऑप्शन आता है क्रिएट क्रेडेंशियल। इस पर जब आप क्लिक करोगे, तो ऑप्शन आता है एपीआई की, एपीआई की अब जनरेट हो जाएगी यहाँ पर। जब आप क्रिएट क्रेडेंशियल पर क्लिक करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी एपीआई की जनरेट हो जाएंगी। और फिर आपको क्या करना है, ठीक है, ये एपीआई की यहाँ से आपको कॉपी करना है। ओके, ये आपको यहाँ से कॉपी कर ली और जहां पर भी ले जाना है, अब ये एपीआई की 3 करके। और कभी कभी ऐसा होता है एपीआई की एक्सपायर हो जाती है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है सारी पर। अगर ये एक्सपायर हो जाती है, तो यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट जब आप करने के लिए यहाँ से जाओगे, एक सेकेंड, डिलीट करने जाओगे, डू एंड डू डिलीट, तो आपको क्लिक करना है लाइक डिलीट। तो आपसे ये कंफर्मेशन पूछेगा, कंफर्मेशन कैसे पूछेगा, एक सेकेंड दिखा देता हूँ, डिलीट। और यहाँ पर पता है क्या करना है आपको, ये डिलीट लिखना है कैपिटल में, डिलीट ये लिखना है आपको यहाँ पर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देता हूँ। और अब अगर मैं डिलीट कर दूंगा, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगी, लेकिन मुझे ये डिलीट नहीं करना। डिलीट करने का मैंने बता दिया, ऐसे डिलीट करना अगर काम नहीं करती है तो। और यहाँ से आपको वापस अगर न्यू बनाना है, तो क्रिएट क्रेडेंशियल एपीआई की, ठीक है, सिंपल स्टेप है एपीआई की जनरेट करने के लिए, यही एक तरीका है। एपीआई की जनरेट की है मैंने, और कहाँ पर ये अप्लाई की है वो भी दिखा देता हूँ। वैसे आपको दिखा दिए वीडियोस में, लेकिन वहां से मैंने एपीआई की जनरेट की है और इधर पे चिपका दी, होम डॉट जेस। ओके, यहाँ पर ये है एपीआई की, ठीक है। तो एपीआई लेट एपीआई की करके मैंने, ये है जो मेरी एपीआई की है जो मैंने जनरेट की थी, यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टेप्स। फिर मैंने एपीआई की यहाँ पर दिया है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि यार ये कैसे है, आप लेके आए ये वाली यूआरएल जिसमें एपीआई की हमें लगाना है, वो वाली यूआरएल कैसे लेके आना है, सो
अगर यहीं पे चले तो हम वापस से YouTube API लिखते हैं। वो YouTube API की था, ठीक है। API की कैसे निकालना है, वो ये है YouTube API, ये API है, वो API की था। अगर हम API कंसोल खोलते हैं तो भी क्लाउड कंसोल खुलेगा। ओके ठीक है, क्लाउड कंसोल खुलता है यहाँ से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन हमें API चाहिए, API की नहीं, API चाहिए। सर्च वीडियोस में चाहिए वीडियो। वीडियो चाहिए तो हाँ ठीक है। अगर API की चाहिए तो यहाँ से किया था, लेकिन हमें API चाहिए तो वीडियोस पर क्लिक करें, क्योंकि हमें API किसकी चाहिए, वो API की वहां पर लगेगी, लेकिन वो लगाना किसके लिए, हमें वीडियो चाहिए ना। तो जब वीडियोस पर आप क्लिक करोगे फिर आपको कौन सी वीडियो चाहिए, ये भी आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। लाइक मैंने जब यहाँ पर क्लिक किया है, तो वीडियोस पर जब मैंने क्लिक किया है तो मैं क्या करूँगा, इधर पे फिर ढूंढूंगा कि मुझे किस टाइप की वीडियो चाहिए, क्या चाहिए, पॉपुलर वीडियो चाहिए और वीडियो 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 लिस्ट चाहिए मुझे, तो मुझे वीडियो चैनल लिस्ट नहीं चाहिए, फॉर यूजर नेम भी नहीं चाहिए, आईडी ओके, प्लेलिस्ट आइटम्स नो, सर्च लिस्ट नो, जब चाहिए तो वहां से ले सकते हो, बाकी वीडियो लिस्ट कहाँ पर है, वीडियोस लिस्ट ठीक है। चेक दिस, तो यहाँ पर मुझे पूरा चार्ट मिल चुका है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मुझे कितने आइटम चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से मुझे चाहिए पैरामीटर क्या क्या चाहिए वो भी हमें कर सकते हैं। मैक्स रिजल्ट, जैसे कि मुझे 50 डेटा चाहिए, 50 वीडियोस का, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं करना, मुझे कोड देखना है, कोड देखना है, तो HTTP पे क्लिक करूँगा और ये जो है यहाँ से तो यहाँ तक, ठीक है, API की है मेरी, लेकिन यहाँ पर फिर मैं इसको हटाकर यहाँ पर डॉलर का साइन लगा के वो जो लाइक कर्ली ब्रेकेट लगा के और API लिख दूंगा, API की, और वो API की मेरी है वो यहाँ पर यूज हो जाएगी। तो इस टाइप से करके API निकालना है और API की भी कैसे निकालना है ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। ओके सो इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड और समझ आया क्या, कमेंट बताना कि जो मैंने बताया समझ आया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।